अभी इवनिंग का टाइम है और 6 o'clock हो चुका है और रिद्वान इतनी लेट सोया था ना, अभी मैं इसको उठा देती हूँ। सोया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए हाँ सोया हुआ है। पहले अब दोपहर को मुझे रेस्ट नहीं करने देता, हमें रेस्ट नहीं करने देता किसी को, उठा रहता है और रात को भी बहुत लेट सोता है, तो अभी इसको उठा दिया मैंने। और गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर भी अंदर भी, किचन में जाओ तो बुरा हाल हो जाता है, किचन में तो गर्मी तौबा तौबा हो जाती है, गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में। और क्योंकि किचन में जाना भी ज़रूरी होता है, किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बुरा हाल, परसीनों परसीन हो जाते हैं। और अभी जैसे शाम को मैं जाती थी, सुबह मॉर्निंग का जब काम करो तब, और इवनिंग में और लंच खाना था जब दोपहर को, तो तब तो तीनों टाइम बुरा बुरा हाल। और सबसे ज़्यादा तब बुरा होता जब सब्जी बनाओ या फिर सब्जी कट कर, सब्जी कट तो चलो इधर उधर भी कर सकते हैं, और जब चपाती बनानी होती है तब तो बहुत ही बुरा हाल होता है। मैं इनको बोल रही थी कितने दिनों से कि किचन में लाइट लगवाओ, और लाइट की तो प्रॉब्लम है ही है, तो इन्होंने बोला हुआ है इलेक्ट्रिशियन वाले को, तो वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके बाद वो मैंने ये भी कहा, ये बोलते फैन लगवा देते किचन में, वो जो ऐसे स्विंग करता है किचन वाला फैन, वो लगवा देते। तो वो लेने जा रहे थे, तो उस दिन एक थोड़े दिन पहले ही मेरे ब्रदर से बात हुई थी, तो उसका वीडियो कॉल आया था, किचन में ही थी तब मैं, तो बहुत टप टप परसीने गिर रहे थे। मैं बोल रही थी उस मतलब पहले जब मैं मायके गई थी तब उस टाइम लिया था, वहाँ पे छोटा कूलर किचन के लिए छोटा जो कूलर आता वो लिया था, तो उस टाइम वो कूलर लिया था किचन के लिए छोटा सा, जो टावर कूलर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इतना टावर टाइप था, तो वो किचन के लिए ठीक था। मैं बोल रही थी वो कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है? तो बोल रहा था तू तेरे को भी लेना है क्या? मैंने उनका पता नहीं गर्मी बहुत हो रही है, और बस यही बोला था, और उसने ऑर्डर भी कर दिया, बताया भी नहीं। तो ये मेरे भाई ने ही काम किया, और पति ने तो सुनी नहीं इतने दिनों से। और फिर ये लेने गए थे उस दिन, ये बोल रहे थे कि आज फैन लगवा देता हूँ, बहुत गर्मी हो गई है। तो थोड़ा सा पति देव को भी लगा होगा कि थोड़ा गर्मी लगती है किचन में, इतना सब बनाने के बाद, इतना खाने के लिए बहुत होता है कि ये बना दो, वो बना दो, ये स्पेशल बना दो, बट जब किचन में जाओ तब तो बुरा हाल हो जाता, कुछ बनाने का दिल नहीं करता गर्मियों में ना। और मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ कैसा होता है मुझे बताइएगा, आप लोग बताते नहीं हो। तो ये हाल हो जाता है किचन में तो बुरा हाल। तो अभी जस्ट रितवान को उठाती हूँ मैं, और फिर इसको ले जाती हूँ मैं बाहर, बाहर थोड़ा सा घूमते हैं। चलाओ रितवान, उठ गया है और बाहर आ गया है। हेलो मिस्टर रितवान। ओ मैं स्वैन। स्वैन, चलो स्वैन देखिए वहाँ पे। ओ चलिए गए रितवान, चलिए ट्रैक्टर लेके चलो। आजो चलाओ, तो चलाओ। साइड में कर लो रितवान। रितवान कहाँ ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, उलट जाएगा आपका ट्रैक्टर, फिर फंस गया ना, निकलेगा भी नहीं। ये काउ गए घुस गया, क्या घुस गया, चले जाना है, हम जा रहे हैं मोटर पर, जाना ट्यूबवेल पर जाना है? चलो आ जाओ, आ चले जल्दी, चल जल्दी, ट्रैक्टर ही फंस गया। और डॉगी देखो, डॉगी नहीं कर रहा,
वाइट ना कर रही है, इसको गर्मी लग रही है ना, इसको गर्मी लग रही है तो ना ही खड़ा देखो। ये देखो ये देखो ये देखो ना ही कर। चलो रितवान कहाँ जा रहे हो, पहले बताओ कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, जब पूछो बोलता नहीं। रितवान कहाँ से जा रहा है, रितवान कहाँ जा रहा है, अच्छा ट्रेन, रितवान कहाँ जा रहा है अभी, ट्रेन ट्रेन कर, कहाँ जा रहा है, नाई करने नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, माल तो माल है, कहाँ जा रहा है, कौन दादी है, दादी चल जाओ मोटर पे चलते हैं, चल जाओ, नहीं तो ताई जी के पास, तो ये देखिए ये है मेरे गांव का व्यू पूरे विलेज का, और इस साइड पूरे खेत है, और अभी हम जाने लगे हैं ट्यूबवेल में, शाम का टाइम है इस टाइम, तो इवनिंग के टाइम अभी, तो ये देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ही जंप लगा रहे हैं इस पानी में, और इनको मैं बोल रही थी ध्यान से बट ये सुन नहीं रहे हैं, तो ये जंप लगा रहे हैं बहुत जोर जोर से। चलो रितवान चलो सप्प सुप होंगे ना जी, तो यहाँ पर हम सभी इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ रितवान भी, रितवान को जब ऐसे बीच में थोड़ा सा डालो ना फिर थोड़ा सा करता है, फिर ऐसे खेल रहा था बहुत अच्छे से, और इस टाइम इवनिंग का टाइम है गर्मियों में, तो गर्मियों में हम शाम को आ जाते हैं कभी कभी यहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, और आजकल जैसे गर्मी इस सीज़न में यहाँ पर धान लगा रहे हैं ना खेतों में, तो यहाँ पर जो पानी है वो पानी छोड़ा होता है ट्यूबवेल का, तो ट्यूबवेल का पूरा पानी लग रहा होता है, तो इसलिए ट्यूबवेल चलता रहता है। Yeah.
अभी हम जाने लगे हैं वापस घर को, और इस टाइम थोड़ा सा अंधेरा जैसे होने लगा है इवनिंग का टाइम में। तो रितवान को तो भेज दिया है, सूरज हार्दिक के साथ चला गया रितवान स्कूटी पे। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, होप आप सभी ने एंजॉय किया हो हमारे साथ। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेड कलर के सब्सक्राइब बॉक्स को प्रेस करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज़।